हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और हम लोग देख रहे हैं न्यूज पोर्टल का वेबसाइट PHP और MySQL पे। यहाँ पे हम लोगों ने जब न्यूज क्रिएट किया था तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीपल रिकॉर्डेड शो हो रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा अगर इसमें न्यूज होता है तो उसको हम लोग को बार बार काफ़ी लंबा पेज होगा और उसके साथ काफ़ी कॉन्टेंट होगा। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पेजिनेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डेटाबेस में 10 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हुए हैं। अगर ब्राउज करके आपको दिखा दें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 रिकॉर्ड पूरा इसमें शो हो रहे हैं अभी तक। ठीक है, तब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके new.php में, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में PHP को क्लोज किया था फुटर के ऊपर शो कराने के टाइम, यहाँ से इसको हम लोग नीचे करेंगे और इस टेबल को हम लोग यहाँ से कट करके इस TR के नीचे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब जो काम है कि इसके नीचे हम लोग को एक SQL का क्यूरी लिखना है, उसको लिखते हैं एक वेरिएबल में .SQL, सॉरी $SQL, और उसके बाद इसको रन कर लेंगे MySQL क्यूरी। ठीक है, फर्स्ट में डेटाबेस का कनेक्शन देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम न्यूज। ठीक है, इसमें जितने भी रिकॉर्ड है उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको काउंट करते हैं, ठीक है, कितना रिकॉर्ड है इस टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, काउंट इक्वल टू और MySQL num $rows। इससे MySQL में जितने भी डेटा है उनको फेच किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे SQL को $SQL को पास कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली हम लोग सेमी कॉल लगाएंगे और इसको इको करके हम लोग चेक करते हैं कि कितना रिकॉर्ड है अभी। ठीक है, सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आके हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, टेबल को यहाँ से कट करके यहाँ पे, बल्कि टेबल को हटाते हैं और यहीं पे हम लोग पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं इसको। MySQL num rows कॉल अनडिफाइंड फंक्शन MySQL num rows, ओके MySQL num rows होगा यहाँ पे, सेव करते हैं अभी और रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो अभी देख सकते हैं कि हम लोग के टेबल में 10 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे इको होके आ गया है कि 10 रिकॉर्ड टेबल में मौजूद है। ठीक है, अब हम लोग को काम यह है कि जब ये रिकॉर्ड मौजूद है तो अब हम लोग को चाहिए कि कितना रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग शो कराना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, कितना रिकॉर्ड शो कराना चाहते हैं। तो इनकेस हम लोग जितना रिकॉर्ड चाहे उतना को शो करा सकते हैं, लेकिन अभी जो मेरे पास है वो 10 रिकॉर्ड है, इसलिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक पेज पे दो या तीन रिकॉर्ड फेच होके शो हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सपोज कि एक वेरिएबल क्रिएट किए $a नेम से। ठीक है, अब इसमें हम लोग को जो काउंट आ रहा है, काउंट का पूरा वैल्यू इसमें रिकॉर्ड में आ रहा है 10। ठीक है, अब इसमें अगर हम तीन रिकॉर्ड चाहते हैं पर पेज तो काउंट बाई थ्री अगर करेंगे तो पर पेज जितना रिकॉर्ड होगा उतना फेच हो जाएगा। तो यहाँ पे काउंट जितना रिकॉर्ड आ रहा है डेटाबेस में है उससे बाई, अगर हम लोग जितना रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं मतलब कि डिस्प्ले कराना चाहते हैं उतना से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो पर पेज का वहाँ पे रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का पर पेज पूरा काउंट से जितना भी डेटा है टेबल में वो 10 है। तो यहाँ पे काउंट बाई अगर थ्री करते हैं, थ्री, और इसको इको करते हैं हम लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रिकॉर्ड आएगा। अभी सेव करते हैं यहाँ पे और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.33 रिकॉर्ड शो होगा, बल्कि कोई वैलिड रिकॉर्ड नहीं है ये, तो ऐसे तो शो नहीं होना चाहिए 3.33। तो इसके लिए PHP के अंदर एक सेल कमांड होता है, अगर यहाँ पे हम लोग टू करते हैं, सपोज
सपोज यहाँ पे 2 करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 5 रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे, देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 3.33। सेव करें इसको तो देख सकते हैं कि 3.33 कुछ रिकॉर्ड आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग सेल यूज कर सकते हैं। सेल को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं डॉलर ए नेम से, इसका एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं डॉलर ए, ठीक है, इक्वल टू सेल। पीएचपी का एक फंक्शन है और इसके अंदर हम लोग डालते हैं डॉलर ए को पास कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको इको करते हैं, इस वाले डॉलर ए को इको करके आपको दिखा दें। तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड मतलब कि 4 रिकॉर्ड एक पेज पे आएगा, ठीक है। और हम लोग को अभी काम है कि जब ये रिकॉर्ड आ गया तो हम लोग एक लूप चलाएं कि जितना भी रिकॉर्ड है लिंक के लिए एक लूप चलाएंगे, जितना रिकॉर्ड है वो दूसरा पेज में जाए। तो उसके लिए एक फॉर का लूप चलाते हैं इसमें और डॉलर ए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डॉलर डॉलर आई एक वेरिएबल है जो कि 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, ए तक, जहाँ तक कि रिकॉर्ड आ रहा है पर पेज, एक पेज में जितना तक आ रहा है उतना पेज यहाँ पे शो होगा, उसके बाद प्लस प्लस नेक्स्ट पेज में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे डॉलर ए, डॉलर ए आ जाएगा, उसके बाद आई का प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को एक, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद इस वाले पीएचपी को हम लोग यहाँ से कट करते हैं और नीचे आके हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे। फॉर लूप है यहाँ पे पीएचपी और इसको क्लोज कर लेंगे। अब सिंपली हम लोग को काम इसमें है कि एक टैग लें, ठीक है, बल्कि हम लोग इसको यहाँ पे इस टेबल को क्लोज कर देते हैं, टेबल क्लोज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक टेबल स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक टेबल को स्टार्ट कर लेते हैं साथ में और इसके अंदर हम लोग पेजिनेशन को ऐड कर देते हैं। सपोज की बूटे टेब का पेजिनेशन है, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लोग एक एलआई लेते हैं, एलआई, और इसके अंदर ये हरफ टैग लेते हैं। उसके बाद एलआई को एक क्लास दे देते हैं यहाँ पे, क्लास पेज आइटम, पेज आइटम एक बूटे स्टेप का क्लास है। और हरफ टैग में हम लोग दे देंगे एक क्लास पेज लिंक के लिए, क्लास पेज प्लस को लिंक, ओके। और इसमें हम लोग पास करने वाले हैं जो हम लोग का हरफ टैग में इस पेज का नाम डालते हैं न्यूज डॉट पीएचपी और इसका एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं, आईडी सपोज क्रिएट कर लेते हैं पेज नेम से और इसको हम लोग असाइन कर देते हैं डॉलर, इसको असाइन कर देते हैं हम लोग जो इसका आईडी है वो, मतलब कि जो आ रहा है यहाँ पे डॉलर ए, इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पास करते हैं पीएचपी इको और जो हम लोग का आ रहा है डॉलर ए, सॉरी डॉलर आई, डॉलर आई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पेज आएगा उतना पेज यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद रिकॉर्ड चलेगा, सपोज 3 तक है तो 3 आएगा, 3 रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा, उसके बाद अगला रिकॉर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो ए है इसके अंदर हम लोग इसको इको करा लेंगे, तो सिंपली हम लोग इसको इको करा लेते हैं यहाँ पे पी एच पी और हो जाएगा इको, इको होगा डॉलर आई, ओके। सेव करते हैं इसको और सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का पेज आ चुका है 1 2 3, ठीक है, लेकिन टेबल यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। टेबल के लिए हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूएल को हम लोग को क्लोज करना होगा, यूएल क्लोज और अब सेव करते हैं इसको। ओके
हैं, यहाँ पे पेज टाइटल 1 आ रहा है, इसके साथ ही यहाँ पे सेव करते हैं। इस टेबल को यहाँ पे सेव टेबल को यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। और ये जो यूएल है इसको हम लोग यहाँ से सिंपली कट कर लेंगे और इसको ला के हम लोग इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो यूएल यहाँ पे क्लोज हो रहा है इसको यहाँ पे नहीं, इसको हम लोग इस सिलाई के बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे, सेव करेंगे पेज को। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ से पूरे को कट कर लेते हैं। यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पे फॉरिच लूप, यहाँ पे हम लोग फॉरिच लूप के अंदर यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे टेबल को, और इसके साथ यहाँ पे पेनेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी ठीक आ रहा है हम लोग का। और यहाँ पे जो हम लोग का पेनेशन है 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को काम ये है कि दो रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काउंट में दो, और बल्कि इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 3, जो हम लोग 3 रिकॉर्ड ले रहे थे। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पे देखें कि 1 2 3 3 रिकॉर्ड हम लोग का यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें काम ये है कि टॉप पे जाएं, सबसे ऊपर जहाँ पे हम लोग डेटाबेस को इंक्लूड किया है, और यहाँ पे एक हम लोग इस गेट कर लेते हैं। ये जो लिंक हम लोगों ने क्रिएट किया है इसमें आईडी बनाए थे पेज नेम से, इसको हम लोग गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम पेज बनाते हैं, पेज डॉलर पेज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, एक वेरिएबल के अंडर डॉलर अंडरस्कोर गेट से हम लोग इसको गेट कर लेते हैं, जो आईडी है पेज नेम का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशनल स्टेटमेंट चलाते हैं इफ, चेक करने के लिए, इफ डॉलर पेज इक्वल टू अगर 0 होता है मतलब इसमें कुछ भी नहीं होता है तो, या फिर एंड, या फिर डॉलर पेज इक्वल टू 1, या फिर ये 1 होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम लोग, अगर ये पेज डॉलर पेज जो है वो उसमें कुछ नहीं होता है या फिर 1 होता है तो, यहाँ पे एक वेरिएबल में डॉलर पेज 1 इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। जो सेमी कॉलन देते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग ने क्यूरी चलाया था डेटाबेस में फेच करने के लिए, यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाते हैं, लिमिट लिमिट डॉलर पेज 1, ठीक है। पेज 1 से कहाँ तक चलेगा, ये 2 तक चलेगा, ठीक है। हम लोग 3 तक चलेगा क्योंकि हम लोगों ने इसमें 3 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 3 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा, इसलिए 3 तक चलेगा। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं रिफ्रेश, अनडिफाइंड पेज 37 में एक एरर है, 37 में एक एरर है, पेज डॉलर अंडरस्कोर पेज अनडिफाइंड इंडेक्स, ओके डॉलर पेज, पेज नीचे से आ रहा है, ठीक है। गेट पेज,
सेव करते हैं इसको और आके यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं अनडिफाइंड इंडेक्स पेज। यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं, अब इस पार्ट में जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो अनडिफाइंड वेरिएबल पेज वन। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे टू पे, सपोज जो वन पे चलते हैं, तो वन का रिकॉर्ड यहाँ पे फेच होगा, क्योंकि यहाँ पे वन पे हम लोग दे रहे हैं पेज वन। अगर जीरो होता है तो पेज वन यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टू होता है तो इसके लिए हम लोग चलेंगे अब इस पार्ट में। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद एक हम लोग एल्गोरिदम लिखेंगे। अगर सपोज कि यहाँ पे पेज वन है, पेज वन, ठीक है, पेज वन इक्वल टू, अब इसमें हम लोग जो पेज है, पेज सपोज यहाँ पे वन होता है और इक्वल टू टू करेंगे इसको, ठीक है। सपोज यहाँ पे पेज लिए डॉलर पेज, ओके, जो हम लोग का यहाँ से आ रहा है पेज, अगर मान लीजिए कि पेज यहाँ पे वन आ रहा है, वन इसमें इंटू करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाई टू करते हैं, बल्कि थ्री करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई बाई थ्री और माइनस थ्री कर देते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर ये वन है तो थ्री जाएगा और थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे कौन सा पेज होगा, जो फर्स्ट वाला हम लोग का पेज होगा वो शो होगा, मतलब कि पेज वन जो कि ये वाला पेज है ये शो होगा, ठीक है। अगर ये टू पे जाता है, सपोज कि टू पे जाता है, तो टू इंटू थ्री सिक्स होगा, थ्री माइनस थ्री तो यहाँ पे थ्री होगा, तो मतलब फिर से नेक्स्ट पे आएगा, यहाँ पे थ्री रिकॉर्ड शो होगा। अगर ये फोर पे जाता है तो फोर इंटू थ्री माइनस थ्री, मतलब कि यहाँ पे कितना रिकॉर्ड शो होगा, फिर से थ्री रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी एल्गोरिदम को हम लोग आगे करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं इस पेज को और आके हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टू पे जाते हैं, फोर फाइव सिक्स, थ्री पे जाते हैं, सेवन एट नाइन, ठीक है। और फिर हम लोग अगर जाते हैं वन पे, तो हम लोग का यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा है वन टू थ्री। वैसे अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड टू कर देते हैं, यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो टू हो जाएगा, और माइनस टू कर देते हैं इसको, जितना रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे शो कराना चाहते हैं उसको करा सकते हैं, यहाँ पे टू कर देते हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई टू कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते उसके पहले हम लोग यहाँ पे एक और एलआई का क्लास ले लेते हैं, एलआई, और इसमें हम लोग क्लास में दे देते हैं इसको, क्लास क्लास हो जाएगा पेज आइटम, पेज आइटम। और इसके बाद यहाँ पे पेज टैग के अंदर हम लोग यूज कर लेंगे पेज, बल्कि इसको हैज, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास, एक ऐड कर लेते हैं क्लास पेज लिंक, ठीक है, क्लास पेज अंडरस्कोर लिंक कॉमा डैश लिंक, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे इसको प्रीवियस, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे नेक्स्ट के लिए कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे नेक्स्ट के लिए कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग डिजेबल्ड कर देते हैं, और इसको भी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे डिजेबल्ड पेज आइटम डिजेबल्ड, ठीक है। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, पेज आइटम डिजेबल्ड, ओके। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे। अब इस पे वन पे जाएंगे, टू पे जाएंगे,
यहाँ पे 3 और 4 रिकॉर्ड्स होगा, 3 पे जाएंगे, तो यहाँ पे 5 6 रिकॉर्ड्स होगा, 4 पे जाएंगे तो 7 8, अगर 5 पे जाते हैं तो 9 10 रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। हम लोग का पेनेशन वर्क कर रहा है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, जो यहाँ पे इको हो रहा है सेल, ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे और हम लोग 1 पे जाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 रिकॉर्ड जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।